हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। आज की वीडियो में हम जो सवाल करने जा रहे हैं उसका नाम है स्मॉलेस्ट रेंज कवरिंग एलिमेंट्स फ्रॉम के लिस्ट। ओके, तो देखते हैं इस सवाल में क्या है। इस सवाल में ना हमारे पास लिस्ट दी हुई है, फिर मान लो वेक्टर ऑफ वेक्टर दिए हुए, और इनमें क्या है, इनमें ना ये हमारे पास के नंबर ऑफ लिस्ट है। ठीक है, टोटल के लिस्ट है, यहाँ पे के लिस्ट है। ठीक है, तो ये एक लिस्ट है, दो तीन, अभी हमारे पास तीन लिस्ट है, और ऐसी के नंबर ऑफ लिस्ट गिवन हो सकती है, और ये एक और लिस्ट के अंदर है। ठीक है, तो हमें क्या बोला है, हमें ना एक ऐसी रेंज निकालनी है जिसमें से, जिसमें वो ऐसी रेंज होनी चाहिए कि अगर इन तीनों में से मैं एक एक एलिमेंट उठाऊँ ना, तो वो तीनों एलिमेंट उस रेंज के अंदर लाए करने चाहिए। इसका क्या मतलब है, जैसे मैं रेंज लेता हूँ एक 0 to 6। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, देखो फोर जो आता है मेरा, जो फोर आता है, इस पहली लिस्ट से 4, दूसरी लिस्ट से 0, तीसरी लिस्ट से 5। ठीक है, ये इंक्लूसिव है, ये चीज ना इंक्लूसिव है, मतलब 0 भी इंक्लूडेड है और 6 भी इंक्लूडेड है, 0 और 6 दोनों इंक्लूडेड है। तो अगर मैं फर्स्ट से 4 उठाऊं, सेकंड से 0 उठाऊं, थर्ड से 5 उठाऊं, तो ये तीनों नंबर्स ना इस लिस्ट के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, ये तीनों नंबर्स इस लिस्ट के अंदर आ रहे हैं, इसलिए ये वाली लिस्ट एक वैलिड लिस्ट हुई। ठीक है, ये एक वैलिड रेंज हुई, ये तीनों नंबर इस रेंज के अंदर आ रहे हैं, इसलिए ये एक वैलिड रेंज है। ठीक है, अब मान लो मैं दूसरी रेंज ले रहा हूँ 0 to 5। ठीक है, इस वाली रेंज के अंदर आप पहले एलिमेंट्स देखो कि 0 to 6 में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं टोटल। 0 to 6 है ना, कितना हुआ, 6 - 0 + 1 विच इज 7, तो टोटल इसमें 7 एलिमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, 0 to 5 वाली रेंज देखोगे तो उसमें कितने आ सकते हैं, 5 - 0 + 1 6 है ना, तो इसमें टोटल 6 आ सकते हैं। अब 0 to 5 वाली रेंज को देखते हैं, क्या क्या ये वैलिड रेंज है। अगर 0 to 5 देखोगे आपको मिलेगा 4, 0 और 5। ठीक है, तीनों इस रेंज के अंदर आ रहे हैं, 4 भी आता है इस रेंज में, 0 भी आता है और 5 भी आता है। ठीक है, तो ये भी एक वैलिड रेंज है, ये भी एक वैलिड रेंज है। पर ये वाली जो रेंज है ना, सेकेंड वाली, ये वाली रेंज मेरी ये 7 वाली से बेटर है। क्यों? क्योंकि ये इससे छोटी है। ठीक है, अगर 6 7 से यहाँ पे छोटा है, अगर ये वाली रेंज इस वाली रेंज से छोटी है, तो मैं इस वाली रेंज को प्रेफर करूंगा, मैं बोलूंगा मेरे को ये वाली रेंज ज़्यादा अच्छी लग रही है, इसलिए मैं इसको अभी अपना करंट आंसर उठा लेता हूँ। अगर मेरे पास ये दो ऑप्शन होंगे तो मेरे को ये वाला उठाना है। ठीक है, अब एक और ऑप्शन देखते हैं, एक देखते हैं रेंज 20 से 24। ठीक है, इस अगर मैं ये वाली रेंज देखूँ तो इसमें आपको देखिएगा 24 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 22 है। तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं मेरे पास, तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस रेंज के अंदर आ रहे हैं, मतलब तीनों में से, तीनों लिस्ट में से एक एक एलिमेंट है जो इस रेंज के अंदर आ रहा है, तो ये भी एक वैलिड रेंज हुई। ठीक है, ये भी एक वैलिड रेंज है, पर अगर आप इसका साइज निकालो तो कितना होगा, 24 - 20 विच इज 4 + 1 विच इज 5, तो इसका 5 आया मेरे पास। ठीक है, इसका साइज, इस रेंज का साइज मेरे पास 5 आया, इसका मतलब ये वाली रेंज इन दोनों से बढ़िया है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए मेरा आंसर ही यही है, ये मेरी सबसे स्मॉलेस्ट रेंज है जो मैं बना सकता हूँ, जिसके अंदर मेरे हर एक लिस्ट में से एक एक एलिमेंट तो होगा ही। ठीक है, तो यही मेरा आंसर है और मेरे को यही प्रिंट करना है। तो अब इसे कैसे करेंगे, ठीक है, इसमें ना एक क्लेम लेके चलेंगे, इस क्वेश्चन में एक क्लेम लेके चलेंगे, ये बोलेंगे कि जो मेरा आंसर होगा, जो मेरी आंसर लिस्ट होगी, मान आंसर रेंज होगी, मान लो x, y, ये जो x है और ये जो y है, ये जो दोनों नंबर्स है ना, ये मेरे को इन्हीं लिस्ट में से मिलेंगे। ओके, सो आंसर विल बी, और आंसर विल कंटेन कंटेन एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट ओनली। ठीक है, तो मैंने ये बोल दिया कि ये जो x है और ये जो y है, ये दोनों मेरे लिस्ट के अंदर ही होंगे, ये जो सारी टोटल है ना, इनमें से ही किसी में से होंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो मेरे पास एक रेंज है 19 से 25। ठीक है, 19 से 25 की रेंज है, अब ये एक वैलिड रेंज तो है। ठीक है, क्योंकि 19 अगर आप देखो तो इसमें कहीं नहीं आता। ठीक है, 19 इन तीनों लिस्ट में कहीं नहीं आता, ना 25 आता है किसी इनमें से, ठीक है, ना 25 इनमें से किसी में आता है। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि ये रेंज तो वैलिड है,
ये रेंज तो वैलिड है, पर ये स्मॉलेस्ट रेंज नहीं हो सकती। मैं बोलूंगा कि जो मेरा आंसर होगा ना, वो स्मॉलेस्ट तभी होगा जब एक्स और वाई, इन्हीं में से हो, ठीक है, इन्हीं इन्हीं लिस्ट में से हो। जैसे अपने 1925 है, इसकी रेंज कितनी हुई, 25 माइनस 19 प्लस 1, ठीक है, तो 25 माइनस 19 प्लस 1 कितना होता है, 7, ठीक है। और अगर मैं ये वाली लिस्ट लूँ 20 से 24 वाली, उसमें मेरे को 5 मिलेगा, है ना। तो ये वाले 20 भी है मेरे पास, इसमें यहाँ पे 20 भी है और 24 भी है, ठीक है। तो मैंने ये बोला कि एक्स और वाई, अगर मेरी रेंज आंसर रेंज एक्स और वाई है ना, तो जो एक्स है और ये जो वाई है, ये दोनों मेरे लिस्ट में ही होंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं मेरे को ये लिस्ट में ही मिलेंगे। तो ये मैं क्लेम लेके चलूंगा, और इस क्लेम के बेसिस पे ही ना हम अपनी अप्रोच डिस्कस करते हैं। और इस क्वेश्चन में हम पहले व्हाट समझेंगे, फिर हाउ समझेंगे, और फिर वाई समझेंगे, ठीक है। पहले ये समझेंगे कि हम काम क्या कर रहे हैं, और फिर पता चलेगा कि ये काम क्यों हो रहा है, ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ना हम क्या करेंगे, पहले प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे, ठीक है, एक मिन हीप की प्रायोरिटी क्यू बना लेते हैं, और एक नंबर लाइन भी बना लेंगे, ठीक है। ये मेरी मिन हीप की प्रायोरिटी क्यू। अब इस प्रायोरिटी क्यू के अंदर मैं अपने एलिमेंट्स को डालता हूँ। एक एक तो मैंने प्रायोरिटी क्यू ले ली मिन हीप की, ठीक है, मिन हीप प्रायोरिटी क्यू है। दूसरी चीज, मैं इसमें के एलिमेंट्स आएंगे। अभी हम व्हाट और हाउ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, बाद में हम डिस्कस करेंगे क्यों कर रहे हैं ऐसा। पर अभी एक मिन एलिमेंट, मिन हीप ली, के एलिमेंट्स, इसके अंदर के एलिमेंट्स आएंगे, के साइज का है इसमें, के साइज की है ये हीप, ठीक है। तीसरी चीज, हमारा जो आंसर होगा कंस्ट्रेंट्स की, मतलब कि माइनस या नेगेटिव 10 to the power 5 से 10 to the power 5 तक की ही रेंज है हमारी, ठीक है। तो हम इनिशियलाइज इसी से कर देंगे। और ये दूसरी चीज, ये तो मैंने आंसर ऐसे इनिशियलाइज कर दिया, और एक मैक्सिमम और ले लेंगे, ठीक है। तो ये काम कर लेते हैं, और अपनी नंबर लाइन मेरी मिनिमम एलिमेंट से मैक्सिमम एलिमेंट तक जाएगी, तो 0 से 30 तक, ठीक है, 10 और 20। और एक और चीज, ये जो लिस्ट गिवन है ना मेरे पास, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है, ये ऑलरेडी सॉर्टेड होंगी, तो क्या करें, ठीक है। अब अप्रोच डिस्कस करते हैं, हम क्या करेंगे, इन तीनों के ना, इन तीनों लिस्ट में से फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट्स उठा लेते हैं, इनके सबसे 0th एलिमेंट उठा लेते हैं। तो ये 0th एलिमेंट उठाए, 4 0 एंड 5, ठीक है, और ये मैंने अपने प्रायोरिटी क्यू के अंदर डाल दिए। इनमें से जो मैक्सिमम था वो मेरा मैक्सिमम बन गया, और जो मिनिमम था वो मेरे प्रायोरिटी क्यू के टॉप पे बैठा, ठीक है। तो मिनिमम 0 यहाँ पर आ गया, मैक्सिमम 5, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, ये हमारी नंबर लाइन है, और उसके बेसिस उस पे ही हम अपनी रेंज बनाएंगे। हमने 4 डाल चुका है, 0 डाल चुका है, 5 डाल चुका है, ये हमने अपने प्रायोरिटी क्यू के अंदर डाल दिए हैं। अब हमारी अप्रोच क्या है, हम क्या कर रहे हैं, अब हम ना इस मिन हीप में से अपनी प्रायोरिटी क्यू में से मिनिमम एलिमेंट को पॉप करेंगे। जो हमारा 0 है, ये अभी मिनिमम एलिमेंट है, तो इसको पॉप कर दिया, हमें 0 मिला, ठीक है। इस 0 को ना मैक्सिमम एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, इसको मैक्सिमम एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, तो 0 से 5, ठीक है, ये बनेगी हमारी नई रेंज, ये हमारी इनकमिंग रेंज बोल दो, इसे बोल देते हैं इनकमिंग रेंज, ठीक है, और इसे बोलते हैं करंट रेंज। तो ये जो इनकमिंग रेंज है ना 0 से 5 वाली, और ये जो करंट रेंज है, अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि ये जो इनकमिंग रेंज है, क्या ये मेरी करंट रेंज से बेटर है ना। कैसे बेटर है, हम डिसाइड कैसे कर रहे हैं कि 5 माइनस 0 है ना, 5 माइनस 0, और ये 10 to the power 5 माइनस 10 to the power माइनस ऑफ 10 to the power 5, ठीक है। तो हम ऐसे डिसाइड कर रहे हैं कि इन रेंज में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये सबसे छोटी रेंज है और ये उससे काफ़ी बड़ी रेंज है। तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि 0 to 5 वाली रेंज काफ़ी बेटर है, ये इनकमिंग रेंज अभी मेरी करंट रेंज से काफ़ी बेटर है। तो मैं क्या करूँगा, इस इनकमिंग रेंज को अपडेट कर दूंगा, मतलब इस करंट रेंज को अपनी इनकमिंग रेंज से अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से 5, ठीक है, ये बन जाएगी मेरी न्यू रेंज, ठीक है।
फाइव डाल चुका था, जीरो डाल चुका था, फाइव जीरो फोर डाल चुका था, जीरो डाल चुका था, फाइव डाल चुका था अपने प्रायोरिटी क्यू के अंदर, जीरो पे हम जीरो को पॉप कर दिया है ना, तो उसका नेक्स्ट एलिमेंट को, अब उसके नेक्स्ट एलिमेंट को जिसको पॉप किया है उसके नेक्स्ट एलिमेंट को वापस से प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे, रिप्लेस कर देंगे हम। नाइन डाला, देखा कि नाइन अब मेरे मैक्सिमम एलिमेंट से बड़ा है तो मैक्सिमम को अभी अपडेट कर दिया और मेरे प्रायोरिटी क्यू में मिनिमम फोर आ गया। ठीक है, अगर आपको अभी ये धीरे समझ नहीं आ रहा है तो जैसे जैसे हम इसे करते जाएंगे वैसे वैसे आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अगर एंड में भी नहीं आता है तो फिर एक बार फिर से देख लेंगे कि चल क्या रहा है इसमें। ठीक है, इसमें जब वाई डिस्कस करेंगे तब तो पक्का आ जाएगा, अभी आपको थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा। तो अब क्या कर रहे हैं, हमारा ये एक प्रायोरिटी क्यू आ गया। ठीक है, इस प्रायोरिटी क्यू के अंदर अब मिनिमम वैल्यू फोर है, अब फोर को हमने पॉप किया मिनिमम वैल्यू को। ठीक है, मिनिमम वैल्यू को जब पॉप किया तो मिनिमम वैल्यू फोर आई और मैक्सिमम मेरे को मिला नाइन। ठीक है, अब मैंने इस वाली रेंज को इस वाली रेंज से कंपेयर किया, इस रेंज में कितने एलिमेंट्स बैठे हैं, फाइव माइनस जीरो प्लस वन सिक्स। ठीक है, इस रेंज में कितने एलिमेंट्स बैठे हैं, नाइन माइनस फोर फाइव प्लस वन सिक्स। ठीक है, तो ये वाली इसके बराबर ही है। ठीक है, तो अपडेट करने की कोई ज़रूरत है नहीं है ना, तो इस वाली रेंज को अपडेट नहीं करते। ठीक है, तो हमने फोर को पॉप किया था तो इसलिए अब टेन पर आ गए। ठीक है, तो टेन को डालेंगे, देखा टेन मेरे मैक्स से बड़ा है, मैक्स को भी अपडेट कर दिया। और अच्छा हाँ, यहाँ पे रेंज कितनी हो रही है, जीरो टू फाइव वाली अब न्यू रेंज है ना, तो इसको इस वाली रेंज को मार्क कर देते हैं कि अभी हम इस रेंज में काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट फाइव है, अब देखा मिनिमम एलिमेंट मेरा फाइव है, मिनिमम एलिमेंट को किया पॉप। ठीक है, उसके उसकी रेंज निकाली हमने, रेंज फाइव से टेन तक की। ठीक है, मिनिमम एलिमेंट और मैक्सिमम एलिमेंट की, क्या ये इनकमिंग रेंज मेरे करंट रेंज से बड़ी है, ये मेरी इनकमिंग रेंज जो है क्या ये मेरे करंट रेंज से बड़ी है या छोटी है। अगर ये वाली छोटी है तो मैं रिप्लेस कर दूंगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं नहीं करूंगा। तो देखो क्या है हमारा, टेन माइनस फाइव, टेन माइनस फाइव मेरे को मिलेगा फाइव प्लस वन सिक्स। ठीक है, इसमें सिक्स एलिमेंट्स हैं इस रेंज के अंदर, इस रेंज में भी सिक्स एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो दोनों सेम ही है तो अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो हमने किसके लिए अभी फाइव को पॉप किया था, नेक्स्ट एलिमेंट आएगा एटीन, एटीन को डाला। ठीक है, मैक्स को अपडेट किया और यहाँ पे मिनिमम में अब नाइन आ गया। ठीक है, तो अब नाइन को पॉप करेंगे, नाइन की पॉप की बारी है, नाइन को हटाया, नाइन बाहर आया, मैक्सिमम के साथ कंपेयर किया, मेरी रेंज कितनी बनी अब, टेन नाइनटीन माइनस एटीन माइनस नाइन गिव्स मी नाइन प्लस वन टेन। ठीक है, तो ये टेन की रेंज है, ये सिक्स की रेंज है, ये वाली अभी भी बेटर है तो इसको अपडेट नहीं करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हमने अभी नाइन को हटाया था, अब ट्वेल्व आएगा, ट्वेल्व पुश किया। ठीक है, ट्वेल्व मेरे मैक्स से बड़ा नहीं है तो अपडेट नहीं किया, मिनिमम अब टेन है तो टेन को देखा। ठीक है, टेन के साथ क्या है, टेन को हमने पॉप किया, टेन को पॉप किया। ठीक है, हमें क्या मिला, हमें मिला टेन और मैक्सिमम है एटीन। ठीक है, रेंज कितनी बनी, एटीन माइनस टेन विच इज़ एट प्लस वन नाइन, इसकी नाइन इसकी सिक्स। ठीक है, ये स्टिल बेकार है अभी भी, तो ये अभी भी सबसे बेस्ट है तो फिर अपडेट नहीं करेंगे। टेन का काम किया था, टेन को पॉप किया था, आगे बढ़े, फिफ्टीन पर आए, फिफ्टीन को पुश किया, मिनिमम ट्वेल्व है, ट्वेल्व यहाँ आ गया, ट्वेल्व को पॉप किया। ठीक है, ट्वेल्व को पॉप किया, ट्वेल्व को पॉप करने के बाद मुझे मिला यहाँ पे ट्वेल्व और एटीन। ठीक है, ये जो नई रेंज बनी इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एटीन माइनस ट्वेल्व सिक्स प्लस वन सेवन, यहाँ पे अभी भी सिक्स है, ये स्टिल बेटर है तो हमने अपडेट नहीं किया अपनी रेंज को, पुरानी वाली रेंज को ना अपडेट नहीं किया। तो फिर हमने अभी किसे पॉप किया था, ट्वेल्व को पॉप किया था, तो यहाँ पे ट्वेंटी आ जाएगा, तो ट्वेंटी एटीन से बड़ा है, मैक्स में अपडेट हो गया। ठीक है, मिनिमम में क्या था, फिफ्टीन, फिफ्टीन यहाँ आ जाएगा, अब फिफ्टीन को देखते हैं। ठीक है, फिफ्टीन को पॉप करते हैं, अब जो नई रेंज बनेगी वो होगी फिफ्टीन से ट्वेंटी है ना, और क्या फिफ्टीन से ट्वेंटी की रेंज, इसमें कितने एलिमेंट्स है, ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन फाइव प्लस वन सिक्स, इसमें भी सिक्स है तो अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, सेम 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 रेंज एलिमेंट्स हैं,
तो अपडेट नहीं किया, और अभी हमने किसको 15 को किया था पॉप, 15 को पॉप किया, 24 को पुश कर दिया। ठीक है, मिनिमम 18 है तो 18 यहाँ आ जाएगा। अब फिर 18 को पॉप करेंगे यहाँ से, 18 को जब पॉप किया, 18 को जब पॉप किया तो हमें मिला, 18 को पॉप करने के बाद हमें मिला 18 कॉमा मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 24 आ गया था ना, मैक्सिमम 24 है तो 18 से 24। अब ये कितनी रेंज है, 4 4 + 2 6 + 1 7। ठीक है, 7 की रेंज है ये, 7 इससे स्टिल बड़ा नहीं है, मतलब स्टिल अच्छा नहीं है, तो इसको अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एलिमेंट 18 के बाद 22, 22 को पुश कर दिया, मिनिमम क्या है 20। ठीक है, 20 ले लिया। अब 20 को पॉप किया, मैक्सिमम के साथ कंपेयर किया, 20,24। यहाँ पे मेरी रेंज की साइज कितनी हुई, 24 - 20 विच इज 4 + 1 5, और यहाँ पे कितनी है 6। ठीक है, तो ये वाली रेंज अब बेटर आ गई, मेरे को एक बेटर रेंज मिल गई है ना, एक बेटर रेंज मिल गई। तो मैंने अपनी पुरानी वाली रेंज को, करंट रेंज को इनकमिंग रेंज से अपडेट कर दिया, तो मेरी नई रेंज बन गई 20,24। ठीक है, ये बन गई मेरी नई रेंज। अब ये वाला काम जब हो गया, 20 पॉप हुआ, अब ये आगे बढ़ेगा, देखेगा कि यार ये तो, ये वाली लिस्ट तो पूरी ट्रैवर्स हो गई। इसका मतलब अगर एक लिस्ट पूरी ट्रैवर्स हो गई ना, और मेरे को तो हर एलिमेंट में से एक एक लिस्ट चाहिए था, तो अब तक जो भी एलिमेंट आंसर बनेगा वही मेरा करेक्ट आंसर होगा, जो अब तक मेरी रेंज बन के आई होगी वही मेरी करेक्ट रेंज होगी, क्योंकि मैंने कम से कम एक एक अपना वेक्टर पूरा ट्रैवर्स कर चुका है। ठीक है, एक लिस्ट मैंने अपनी पूरी ट्रैवर्स कर ली है, इसलिए जो आंसर मिलेगा अब वो मेरा बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा। तो ऐसा हम काम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये काम करने से मेरे को अपना आंसर बेस्ट क्यों मिल रहा है, चलो देखते हैं। इसको ना थोड़ा रिवर्स कर लेते हैं और उस मोमेंट पे चलते हैं जब इसके अंदर 20, 24 और 22 पड़े थे। ठीक है, तो जब हम इस मोमेंट पे थे ना, इसमें क्या हो रहा था, इसमें देखो आप, हर एक लिस्ट में से एक एक एलिमेंट तो पड़ा ही है। ठीक है, हर एक लिस्ट में से एक एक एलिमेंट इसमें कम से कम पड़ा है। हमने मैक्स काउंट तो नहीं रखा है, ठीक है, हमने तो मैक्स मैक्स को हमने ले ही रखा है कि मैक्स होगा क्या। ठीक है, हमने मैक्स हमेशा अपडेट करते जा रहे हैं जब भी हमें मैक्सिमम मिल रहा है, तो इस प्रायोरिटी क्यू में जो मैक्सिमम एलिमेंट पड़ा है वो मुझे पता है क्या है यहाँ पे। ठीक है, जो मिनिमम एलिमेंट पड़ा है वो तो मिन प्रायोरिटी क्यू की वजह से मिल ही जाएगा। ठीक है, मिन प्रायोरिटी क्यू है, मिन ही प्रायोरिटी क्यू है, तो उसकी वजह से मेरे को मिन भी मिल जाएगा, तो मेरे को मिन मिल गया, मैक्सिमम मिल गया। अब जो बाकी के एलिमेंट्स होंगे ना इसमें, बाकी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे, जितने भी बाकी के एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स मेरे प्रायोरिटी क्यू के अंदर जो भी बाकी के एलिमेंट्स है वो इसी रेंज में लाए करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मिन टाइप प्रायोरिटी क्यू है, उसकी मैक्सिमम पता है मुझे, उसका मिनिमम पता है। तो अगर मेरे को मैक्सिमम और मिनिमम पता है तो इसका मतलब यही हुआ ना कि बाकी के जो भी एलिमेंट्स है वो उसके बीच में है ना। अगर नहीं होते उसके बीच में तो मेरा मैक्सिमम और मिनिमम अपडेट हो चुका होता अब तक। तो मैक्सिमम और मिनिमम मुझे पता है तो बाकी के एलिमेंट्स उसके बीच में ही होंगे, तो इसका मतलब है कि अगर, अच्छा हाँ, और ये तीनों एलिमेंट्स अगर एक एक लिस्ट में से एक एक एलिमेंट है तो क्या होगा इसका मतलब, यही होगा ना कि यही वाली जो रेंज बनेगी इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स, जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो बाकी रेंजेस में से हैं, तो इसके अंदर लाइक करेंगे ही करेंगे, है ना। और अगर करेंगे तो यही मेरी एक वैलिड रेंज होगी। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी रेंजेस आई थी ना वो वैलिड रेंजेस थी, यहाँ पे हमारी जितनी भी रेंजेस बनती हुई आ रही थी इनकमिंग रेंजेस, वो वैलिड रेंजेस थी, क्योंकि बाकी के इसमें जो भी एलिमेंट्स थे ना प्रायोरिटी क्यू के अंदर वो उसमें लाइक कर रहे थे, तो उसकी मदद से मुझे ये पता चल रहा था कि ये वैलिड रेंज है। ठीक है, इसलिए मैं अपना आंसर उससे अपडेट कर सकता हूँ, अगर मेरा मन कर चाहे तो मैं उसको आंसर को अपडेट कर सकता हूँ। तो मेरे को आंसर सिर्फ तभी चाहिए जब मेरा मिनिमम प्रायोरिटी क्यू हो, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, स्मॉलेस्ट रेंज हो, है ना, सिर्फ तभी मेरे को आंसर अपडेट करना है। इसलिए मैं सिर्फ आंसर तब अपडेट करूंगा जब मेरा ये वाला आंसर, जब ये वाला आंसर सही हो। ठीक है, तो जब यहाँ पे 20 आया था, तो जब हमने 20 को पॉप किया ना, तो हमने मिनिमम एलिमेंट को हटाया यहाँ से। ठीक है, जब मिनिमम एलिमेंट को हटाया तो उसको हमने मैक्सिमम के साथ कंपेयर किया, जो मेरी इनकमिंग रेंज बनी। ठीक है, ये मेरी इनकमिंग रेंज बनी, जो इनकमिंग रेंज है ना, ये वाली रेंज अब मैं चेक कर रहा हूँ कि ये करंट रेंज से बड़ छोटी है या नहीं। अगर ये करंट रेंज से छोटी है तो मैंने अपनी करंट रेंज को
इसी इनकमिंग रेंज से अपडेट कर दिया, ठीक है, 20,24 ये अपडेट कर दिया। और करने के बाद मुझे क्या पता चला कि ये जो मिनिमम एलिमेंट था, ये जो मैक्सिमम एलिमेंट था, जो भी प्रायोरिटी क्यू के अंदर एलिमेंट्स थे वो सारे इसी के अंदर लाए कर रहे थे, ठीक है। उस मोमेंट पे जो भी प्रायोरिटी क्यू के अंदर एलिमेंट्स थे वो सारे इसी के अंदर ही लाए करेंगे, इसलिए यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये अप्रोच समझ में आ गई होगी, अब इसको कोड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अब, तो पहली चीज हम एक वेक्टर बना लेते हैं रिजल्टेंट, और ये वेक्टर माइनस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 10 to the power 5 से 10 to the power 5 का हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब नाम स्टार्ट साइज, ठीक है, के ले लिया, और एक मैक्स वैल्यू ले ली इंटीजर नॉट मिन, ठीक है। फिर एक प्रायोरिटी क्यू बना देते हैं, अब मिन हीप टाइप की बनानी है ना। तो इसके अंदर हम ना वेक्टर इन टाइप की बना रहे हैं, मतलब हम वेक्टर क्यों बना रहे हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या स्टोर करेंगे। क्रिएटर वेक्टर इंट, ठीक है, प्रायोरिटी क्यू, एक फॉर लूप चलाते हैं और के एलिमेंट्स को भर देते हैं, फर्स्ट के एलिमेंट्स भरने हैं, है ना। तो हमने एक मिनिमम ऑफ लिस्ट निकाल लिया, ठीक है, ये मिनिमम ऑफ लिस्ट है, और ये क्या होगा, नम्स ऑफ i,0। तो इससे क्या मिल रहा है मेरे को, इससे मेरे को ना जो भी मेरी लिस्ट है, मतलब अब सारी लिस्ट सॉर्टेड है, ठीक है, तो उन सारी वेक्टर्स जो सॉर्टेड है उनका जो जीरोथ एलिमेंट है वही सबसे स्मॉलेस्ट होगा, तो मेरे को स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए। और मैं वेक्टर की, ये प्रायोरिटी क्यों मैंने वेक्टर की क्यों बनाई, क्योंकि मेरे को तीन चीजें चाहिए, ठीक है, मेरे प्रायोरिटी क्यू के अंदर मेन तीन चीजें पड़ी होंगी। एक ये 22, ठीक है, 22 मेरी जो वैल्यू है, एक इस 22 का इंडेक्स, ठीक है, ये इंडेक्स, एक इंडेक्स भी पड़ा होना चाहिए इसका, और इस लिस्ट का इंडेक्स, ठीक है, इस वेक्टर का इंडेक्स, क्योंकि हमें सिर्फ वेक्टर को भी तो एक्सेस करना है ना। तो तीन चीजें बोल देते हैं, टू बी एडेड, ठीक है, और क्या क्या होंगी, ये मिनिमम ऑफ लिस्ट, जीरो और आई, ठीक है। ये आई क्या है मेरा, आई है मेरा इंडेक्स ऑफ लिस्ट, इसको ऐसे बोल देते हैं क्या 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 चीज है, फर्स्ट या फिर जीरो पे बैठा है मेरा मिनिमम एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स पे बैठा है इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम माय वेक्टर, ठीक है, और सेकंड इंडेक्स पे बैठा है इंडेक्स ऑफ लिस्ट इन नम्स, ठीक है। तो यहां से या फिर इंडेक्स ऑफ वेक्टर बोल देते हैं, यहां पे भी वेक्टर बोल देते हैं, क्योंकि है तो वेक्टर ही, ठीक है। अब इसके बाद मैक्स वैल निकालते हैं, जो होगा मैक्स ऑफ मैक्सवेल एंड माई मिनिमम ऑफ लिस्ट, ठीक है, पी क्यू डॉट पुश टू बी एडेड। तो ये चीज करने के बाद, ये फॉर लूप रन करने के बाद, मेरे फर्स्ट के एलिमेंट्स एड हो चुके होंगे, ठीक है। तो अब एक वाइल लूप चलाते हैं, वाइल ट्रू, ये कब तक चलेगा वाइल लूप, जब तक मैं एक कंडीशन डालूंगा और वो उसे तोड़ नहीं देती, और वो कंडीशन क्या होगी देखते हैं। पहले तो हम पी क्यू डॉट टॉप करके पी क्यू में से वो वेक्टर को निकाल देते हैं, पॉप भी कर देते हैं वहां से, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि रेस ऑफ वन क्या रेस ऑफ जीरो से छोटा है, रेस ऑफ जीरो, रेस ऑफ वन माइनस रेस ऑफ जीरो, मतलब मेरी करंट रेंज, ये मेरी करंट रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये करंट रेंज मेरी इनकमिंग रेंज, मतलब मैक्स वैल माइनस मिन वैल ऑफ जीरो से छोटा है या सॉरी बड़ा है। अगर बड़ा है तो इसका मतलब मेरी इनकमिंग रेंज बेटर है, तो मेरे को इनकमिंग रेंज को मतलब अपनी करंट रेंज को इनकमिंग रेंज से अपडेट कर देना है। तो मैं क्या कर दूंगा, रेस ऑफ जीरो विल बी मिन ऑफ वैल ऑफ जीरो, ठीक है, रेस ऑफ वन हो जाएगा मेरा मैक्स वैल, ठीक है। तो ये इफ के बाद अब क्या करना है मेरे को, मिन वैल को अपडेट कर देना है, ठीक है। इसके बाद मेरा मिनिमम वैल्यू का इंडेक्स अपडेट हो जाएगा, मतलब जो इंडेक्स एलिमेंट, उस एलिमेंट का इंडेक्स है वो अब आगे बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि हम जैसे जैसे एलिमेंट को पॉप कर रहे थे हम उसके नेक्स्ट इंडेक्स पे जा रहे थे, तो
यहाँ से हम उसके नेक्स्ट इंडेक्स पर चले गए। अब ये चेक करेंगे कि क्या ये जो इंडेक्स है ये वेक्टर है, मतलब ये वैलिड है भी या नहीं, ठीक है। तो उसको चेक कैसे करें, ठीक है। तो पहले हम उस पे जो लिस्ट पड़ी है उसके बेसिस पे उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। मिन वैल टू करके हमने उसके उसकी लिस्ट जो उस पॉइंट पे जो लिस्ट पड़ी है, करंट लिस्ट बोल देते हैं, उस लिस्ट को निकाल दिया। अब चेक करते हैं कि क्या मिन वैल ऑफ वन कि क्या वो जो अब जो इंडेक्स है हमारे पास क्या वो वैलिड है, मतलब वो उसकी साइज के बराबर है। अगर वो उसकी साइज के बराबर है तो इनवैलिड है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमने एक लिस्ट तो पूरी ट्रैवर्स कर ली, तो अब जो हमारे पास रेंज बची होगी वही फाइनल होगी, इसलिए यहाँ से ब्रेक कर लो एल्स, ठीक है। अगर नहीं है ऐसा केस, मतलब अभी भी मेरा जो इंडेक्स है वो उसके अंदर ही लाई कर रहा है, उस साइज के अंदर, उस करंट लिस्ट के साइज के अंदर, तो इसका मतलब वैलिड इंडेक्स है। तो इसलिए मिन वैल ऑफ 0 हो जाएगा मेरा, करंट लिस्ट का मिन वैल ऑफ वन, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो उसकी वैल्यू पड़ी है वो उसके उसमें चली जाएगी। मैक्स वैल हो जाएगा मैक्स ऑफ मैक्स वैल एंड सी एल ऑफ, अब किससे कंपेयर कर रहे हैं, मिन वैल के वन से, है ना। इसके बाद करंट लिस्ट पे जो उस इंडेक्स पे जो चीज पड़ी है उससे कंपेयर कर रहे हैं, है ना। और फिर एंड में हम इस मिन वैल को पुश कर देंगे, ठीक है। जब ये वाइल लूप खत्म होगा तब बस मेरे को अपना आंसर मिल चुका होगा, तो यहाँ से रिटर्न कर लेंगे। तो ये सही लग रहा है कोड देखने में, तो अब इसे रन कर लेते हैं, सक्सेसफुल हो रहा है, सबमिट कर लेते हैं, टेस्ट केस भी पास हो रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप वो वापस जाके देख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।